कर रहे हैं एशिया के सबसे अलग देश नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन है, जिसे सन की तानाशाह भी कहा जाता है। किम ने अपने देश में ऐसे कानून लागू किए हैं जिसके कारण इस देश में रहने वाले सभी लोग देश छोड़कर भागना चाहते हैं। यहाँ पर नागरिकों को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है और इस देश के ऊपर कई बार ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के आरोप भी लगाए जा चुके हैं। इन सबके बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग लिए इस देश से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्यों नॉर्थ कोरिया को लोग छोड़कर भाग नहीं सकते, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भागना किसी के लिए भी आसान नहीं है। 1950 से पहले तक कोरिया एक ही देश हुआ करता था। कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गए। इस विभाजन के बाद साउथ कोरिया ने तरक्की की राह पकड़ी तो वहीं नॉर्थ कोरिया में ज्यादा विकास नहीं हो पाया। किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह बने और तब से लेकर आज तक उनका परिवार ही इस देश में राज कर रहा है। सन 1994 में किम इल सुंग की मृत्यु के बाद किम जोंग इल ने सत्ता संभाली। वहीं साल 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के नेता बने। किम जोंग के नेता बनने के बाद उन्होंने देश में कई ऐसे नियम लागू कर दिए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि उनके पिता और दादा के समय भी कई ऐसे नियम थे जो ना चाहते हुए भी लोगों को मानने पड़ते थे, लेकिन किम जोंग उन ने उन नियमों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। साउथ कोरिया की तरक्की देखकर नॉर्थ कोरिया के लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देश के नागरिक बनना चाहते थे। नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों को साउथ कोरिया अपना भी लेता है। इतना ही नहीं, उन रिफ्यूजीज को साउथ कोरिया काफी मदद मुहैया कराता है। रहने के लिए घर और पैसा भी साउथ कोरिया की सरकार देती है। साथ ही नौकरी और अन्य क्षेत्रों में नॉर्थ कोरिया के लोग लिए साउथ कोरिया में आरक्षण का भी प्रावधान है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग चाहते हुए भी इन सभी सुविधाओं को अपना नहीं पाते हैं। साल 2011 से पहले हर साल हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल होते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में नॉर्थ कोरिया से 2900 लोग भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन किम के आने के बाद देश से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि किम ने सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा की है। सुरक्षा बलों और सैनिकों को आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी नागरिक देश की सीमा से भागते हुए नजर आता है तो उसे तुरंत ही गोली मार दी जाए। पहले लोग बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों को रिश्वत और घूस देकर बॉर्डर पार कर लिया करते थे, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके साथ वो सुलूक किया जाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक डीमिलिटराइज्ड जोन है। इस जोन के दोनों तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के सैनिक लाखों की संख्या में हर वक्त तैनात रहते हैं। साथ ही बॉर्डर पर करंट की कांटों की तारें लगी हुई हैं। ऐसे में कोई भी इस रास्ते से बॉर्डर पार नहीं कर सकता। आंकड़ों के अनुसार पिछले 30 सालों में नॉर्थ कोरिया के 33,500 से ज्यादा लोग साउथ कोरिया में रह रहे हैं, लेकिन ये लोग बॉर्डर पार करने में कैसे कामयाब हुए? हम आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए साउथ कोरिया के बॉर्डर के अलावा कुछ अन्य रास्ते भी हैं, लेकिन वो रास्ते इतने रिस्की हैं कि बहुत कम लोग ही उन रास्तों को पार करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले ज्यादा लोग चीन के रास्ते बॉर्डर पार करने की प्लानिंग करते हैं। नॉर्थ कोरिया की सीमा चीन के बॉर्डर से भी मिलती है। वेस्ट की सीमाओं पर भी हर वक्त सैनिक तैनात रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एजेंट्स पैसा लेकर बॉर्डर पार कराने का काम करते हैं। वो लोग को समझा देते हैं कि किस समय और किस तरह से बॉर्डर पार करना है और आधे घंटे के दौरान सभी सुरक्षा बल पूरी कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने के बाद लोगों के सामने चीन के सुरक्षा बलों से बचने की चुनौती खड़ी होती है। नॉर्थ कोरिया से भागने के बाद किसी व्यक्ति को चीन के सैनिक पकड़ ले तो वो वापस नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकार को जब पता चलता है क्योंकि नागरिकों ने देश से बाहर निकलने की कोशिश की है तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी करार दिया जाता है तो उसकी 3 पीढ़ियों को उसके गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि कोई चीन के सुरक्षा बलों से बचने में भी कामयाब हो जाता है या उन्हें रिश्वत दे देता है तो फिर वो कहां जाता है, ये सवाल है। दोस्तों, चीन के बाद वो रिफ्यूजी थाईलैंड जाते हैं और थाईलैंड के बाद वो सीधे साउथ कोरिया पहुंचते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग जाता है। एक बार जब साउथ कोरिया घुस जाते हैं वो तो उसके बाद वो अपनी जिंदगी पूरी आजादी के साथ जी सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला नॉर्थ कोरिया से भागता है और उसकी फैमिली नॉर्थ कोरिया में ही रहती है और ये बात इनकी सरकार तक पहुंच जाए तो उसके परिवार को पत्थर से भी बाहर भागने की कोशिश की थी या फिर जिनके परिवार का कोई सदस्य देश छोड़कर भागा है उन कैदियों को छोटे से कमरे में रखा जाता है और एक कमरे में लगभग 40 कैदी रहते हैं। उस कमरे में 200 कैदियों को चलने की भी इजाजत नहीं होती और सारा काम रेंग कर करना पड़ता है। कमरे में सुविधाओं के नाम पर एक टॉयलेट के अलावा कुछ नहीं होता। इसके अलावा एक अन्य रास्ता है जो येलो सी के रास्ते होते हुए जाता है, लेकिन इस रास्ते पर हर वक्त नॉर्थ कोरिया की नौसेना तैनात रहती है। इसके बावजूद कुछ जिंदा दिल लोग तैर कर वो रास्ता पार करने की हिम्मत करते हैं। तैर कर रास्ता पार करने की कोशिश करने वाले कई लोगों की लाशें बाद में समुद्र के ऊपर तैरती हुई नजर आती है और उसकी पहचान कर उसके परिवार वालों को सजा दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति तैरकर रास्ता पार करने में कामयाब हो जाता है तो वो सीधे जापान पहुंचता है जहां पर जापान के सैनिक उसे पकड़कर कोरिया के हवाले करते हैं। लेकिन जापान उन लोगों को नॉर्थ कोरिया को नहीं बल्कि साउथ कोरिया के हवाले करते हैं, इसलिए ये रास्ता नॉर्थ कोरिया के लोगों को पसंद आता है। नॉर्थ कोरिया के कुछ लोग फॉरेन लेबर कैंप में नौकरी के बहाने भी देश से भाग निकलते हैं। नॉर्थ कोरिया अपने लोगों को रशिया और पोलैंड के कैंप्स में नौकरी करने के लिए भेजता है। हालांकि उसका ज्यादा पैसा सरकार की जेब में ही जाता है, फिर भी जो लोग यहाँ नौकरी के लिए जाते हैं उनके परिवार पर सरकार पूरी निगरानी रखती है। अगर किसी ने भी कैंप से भागने की कोशिश की तो उसके परिवार को सजा दी जाती है और जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब आप समझते होंगे दोस्तों कि हमने ऐसा क्यों कहा था कि नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा है। इतना सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में क्या सारे लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं या कुछ लोग अच्छी जिंदगी भी नसीब होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया में सोंग बर्न का सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम के तहत पूरे देश की आबादी को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहली
क्लास का नाम है कोर, जिसमें देश की 28% आबादी शामिल है। जिन लोगों ने या जिन लोगों के परिवार ने कोरियन वॉर के दौरान युद्ध किया था, उन्हें इस क्लास में शामिल किया गया है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी कुछ खास सुविधाएं लोगों को दी जाती है। दूसरी क्लास का नाम है विवरिंग। इसमें लोग अपने काम पर जाते हैं और उन्हें अन्य किसी चीज से ज्यादा मतलब नहीं होता है। सरकार की नजर में ये लोग सीधे समझे जाते हैं। वही तीसरी क्लास है हॉस्टाइल। इस क्लास के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है। यहाँ के लिए किम ही उनका भगवान है और अन्य किसी भगवान को पूजने की अनुमति लोगों को नहीं है। अगर किसी के घर से बाइबल बरामद होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत उसे मौत की सजा देने का प्रावधान है। अब जानते हैं हॉस्टाइल क्लास के बारे में, जिसमें इलीगल काम करने वाले या किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनको शहरों में रहने की अनुमति नहीं होती। इस क्लास के बारे में देश के हर नागरिक के आईडी कार्ड पर लिखा होता है कौन सा व्यक्ति क्या जॉब करेगा, उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन सी रैंक उसे मिलेगी और यहाँ तक किसकी शादी किससे होगी। इन सब का फैसला भी सॉन्ग बन के आधार पर ही किया जाता है। चलिए अब नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में हम आपको बताते हैं। देश में हंसी मजाक की अनुमति नहीं है। हर घर में किम के परिवार वालों की तस्वीर लगी होनी चाहिए और उन तस्वीरों को रोजाना साफ करना तो भाई बहुत ही जरूरी है। और अगर किसी तस्वीर पर धूल होती है तो उस परिवार को सजा दी जाती है। देश में क्रिसमस मनाना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि उस दिन किम की दादी की मृत्यु हुई थी। सभी देशवासियों को उस दिन सड़क पर खड़े होकर रोना होता है और अगर कोई दुखी नहीं होता तो उसको सजा दी जाती है। अगर कोई नहीं रोता तो ऐसा माना जाता है कि वो दुखी नहीं है। इसके अलावा 8 जुलाई और 17 दिसंबर को नेशनल हॉलीडेज के दिन भी ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि इन दिनों किम के पिता और दादा की मृत्यु हुई थी। साथ ही देश में गाने सुनने पर बैन है। एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी देख सकते हैं, लेकिन टीवी पर सिर्फ 3 चैनल ही आते हैं, जिसमें सरकार और किम जोंग के गुणगान के बारे में दिखाया जाता है। और देश में इंटरनेट चलाने की परमिशन भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही यहाँ पर गाड़ी रख सकते हैं और कोई नहीं। जिस देश में दोस्तों इतनी पाबंदियां हो, वहाँ से कौन भागना नहीं चाहेगा। उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जान रहेंगे आखिर नॉर्थ कोरिया से भागना इतना मुश्किल या कहीं पर इतना नामुमकिन क्यों है। साथ इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के संग अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि आप अपने प्यारे देश में रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर।